से देखते रहो आप लोग, ठीक है? ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाले हैं दोनों ब्लैक बॉटम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हो आप सब लोग प्लीज बताइएगा। मैं तो एकदम ठीक हूँ। एंड अभी फिलहाल सुबह सुबह से लग गई हूँ अपने काम पे, काफ़ी ऐसा काम हो चुके हैं। और आज पहना हुआ ब्लू कलर का सूट, ब्लू कलर की लगाई हुई है बिंदी, एंड बाकी कुछ नहीं, बस इतना इतना सा किया है। और अभी हम आ गए ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आरुषि की क्लासेस चल रही थी, मतलब दो फ्लोर ढाई फ्लोर चढ़ के आ ऊपर, हालत ख़राब हो जाती है। तो पहले थोड़ा सा लेती हूँ टीफ्री। और नाउ और कैसे आप सुनो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरे तो काम बस स्टार्ट रहते हैं, और काफ़ी हद तक काम निपट चुके हैं, और काफ़ी हद तक अभी बाकी है, तो वो सब करने हैं। और कैसे आप सब लोग प्लीज़ बताइएगा। एंड गाइस, बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत कुछ अच्छा शेयर करेंगे। तो अभी ये कल के कपड़े पड़े हुए हैं, ये अभी तक नहीं सूखे, तो इन सबको तो ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती कहीं भी, इतने सारे कपड़े, मतलब इतने ज़्यादा ठंडियों में कपड़े निकलते हैं, स्वेटर निकलते हैं, प्लस बाकी कपड़े एक्स्ट्रा वाले निकलते हैं। तो आप लोग कहीं जाना नहीं, और शेयर करना है बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ में। चलिए फटाफट से पहले हम फैला लेते हैं कपड़े। बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, पता नहीं कभी यहाँ पे अटैक करते हैं। तो चलते नीचे। तो गाइस बस यहाँ पे अभी बना रही हूँ सुबह सुबह की चाय एंड लंच प्लस ब्रेकफास्ट, सब एक साथ ही बनाना स्टार्ट कर देते। तो आज के ब्रेकफास्ट में लगा लो, लंच में लगा लो कद्दू की सब्जी बनाएंगे, और बनाएंगे मिक्स दाल। पहले तो बनाने का प्लान कुछ और था, बट जो इन्ग्रीडियंट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो थी नहीं, तो इस वजह से फिर मिक्स दाल बनाने का बन गया। और कद्दू तो वैसे प्री प्लान था कि मतलब शाम को ही कट करके रख जाती है कद्दू बनाना है, तो बस इस कद्दू को जो है ना लहसुन से ही मैं बनाती हूँ, और इसमें मेथी डालती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ, हल्दी मिर्च बस इतना। हाँ, और थोड़ा सा हमारे यहाँ खट्टा मीठा वाला कद्दू बनता है, यूपी के जो इटावा साइड के लोग होंगे ना कानपुर उनको, मतलब हमारे यहाँ मीठा कद्दू बनता है, मतलब उसमें चीनी पड़ती है, या गुड़ डालना चाहो तो गुड़ डाल सकते हो, गुड़ का भी एक अलग ही टेस्ट होता है। खैर हम तो गुड़ नहीं डालते, चीनी डालते हैं, तो और खटाई वगैरह डाल के बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स दाल बनने के लिए रख दी है, सारे मसाले डाल दिए हैं, और इसमें डाल दिया टमाटर, और कुकर को कर देंगे बंद, बनाएंगे फटाफट से मिक्स दाल। और बहुत सुबह सुबह का इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है, मैं सोच रही हूँ ना कभी मॉर्निंग का रूटीन कभी मैं बना ही नहीं पाती हूँ मॉर्निंग का, मतलब क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि सुबह सुबह ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँ। मतलब ये तो मैं छोटी मोटी क्लिप कभी कभी ऐसे रख लेती हूँ, फोन पास में तो ले लिया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे तो मैंने कद्दू में खटाई भी डाल दी है, और इसमें चीनी भी डाल दी है। हमारे यहाँ चीनी पड़ती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में नहीं पड़ती है, थोड़ी सी 2 चम्मच 3 चम्मच जैसे, तो थोड़ा मीठा वाला टेस्ट, खट्टा वाला, तीखा वाला, सब मिलके एक वाला टेस्ट आता है, और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। मतलब हम सबकी तो वही खाने की आदत है, मतलब अगर चीनी नहीं पड़ती तो हम लोग कद्दू नहीं खा सकते, तो अपना अपना टेस्ट है यार अपनी अपनी जगह का, और इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कद्दू बन के तैयार हुआ है, इसका कलर टेक्स्चर देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी होने वाला है ना। एंड यहाँ पे इसमें रख दिए चावल बनने के लिए, क्योंकि दाल चावल मतलब प्रॉपर पापा राठौर जी लोग ऑफिस जाते हैं तो पूरा खाना लेके जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन के लिए जाते हैं, रात में कितने टाइम तक आते हैं, मतलब 8 बजे 9 बजे, फिर दिन भर वहाँ रहते हैं, तो फिर जब सुबह जाते हैं ये लोग तो इनको प्रॉपर लंच पैक करके देते हैं, प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो जाता है, और लंच वगैरह मतलब पूरा जैसे घर में खाते उसी तरीके से पूरा लंच एक पैक होके जाता है, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी जाती साथ में, क्योंकि मतलब बीच में भूख लगे तो वो भी खा लें। तो यहाँ पे देंगे दाल में तड़का, तो इसमें जीरा, हींग और लहसुन और प्याज, इन सब चीज़ों से देंगे, और आप चाहें तो मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं मिर्च वगैरह आरुष की वजह से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो भी खा लेता अच्छे से, और अदरवाइज़ मिर्च होती ना फिर वो तीखा नहीं खा पाता, तो इसलिए मैं मिर्च थोड़ा सा ऐसे दाल लाल में डालना अवॉइड करती हूँ, जो चीज़ वो खा सकता है उसको फिर अच्छे से खिला देना चाहिए। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे हमारी परफेक्ट दाल प्लस मतलब सब्जी चावल रोटी सब बनके तैयार हो गया है, और आप सब भी आइए खाइए आके। और देख सकते हैं ये चावल का ना इसमें से एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया था, थोड़ा सा दाल बना के रखी थी, अभी ठंडी हो गई है तो आरुष को दे रहा है गर्म करके दाल, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाती फिर उनको फूक फूक के खिलानी पड़ती है ना, तो हल्के से पकड़ में ही नहीं आ रहा है कैमरे के चक्कर में, तो
आरुष को दे देते हैं दाल चावल लंच में, और वो दाल चावल काफ़ी अच्छे से खा लेता है। तो चावल निकाल के रख दिए और दे देते हैं दाल इसी में मिक्स करके, क्योंकि उसको अलग से बार बार मिक्स करना नहीं आता है, अभी तो ढंग से खाना भी नहीं आता है, बट ट्राई करते हैं देने की, थोड़ा बहुत तो खाए अपने आप से। तो उसको दे देते हैं, बाबूजी बैठ के कर रहे हैं इंतज़ार। बड़ी मुश्किल में पकड़ में आए हैं ये, पकड़ में ही नहीं आ रहे थे, खाना खाने के नाम पे चिप्स लेके भाग रहे थे। बाबू खाना, शोना 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 शोना, ओ यार देखो हालत, मतलब सुनने को तैयार ही नहीं लड़का। चिप्स अभी नहीं खाएंगे, छोड़िए चिप्स। कॉर्नफ्लेक्स लाया था तब की रखी है, अब पूरा रूम सेट करते क्योंकि क्लास कराने के बाद इतना ज़्यादा रायता फैल जाता है क्लास रूम में, सारा क्लीन करना पड़ेगा। आरुष को दे दिया है खाना खाने के लिए, वो अपना कर रहे हैं लंच और मैं कर लेती हूँ सारे काम। तब तक मैंने भी लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट आरुष का थोड़ा सा बचा हुआ कॉर्नफ्लेक्स था वही खा लिया था, कुछ नहीं खाया। ये देखो सारा बेड की हालत, कपड़े पड़े हुए हैं, कॉपी बुक्स पड़ी हुई, सारा मिलता मतलब जहाँ जो रखना होता है प्रॉपर जिस अलमारी में जो जाएगा, तो वो सब रख रहे हैं उठा के। यार पता है गाइस, समझ में नहीं आता यार कि इतना मुश्किल है क्या मतलब वाइटी पे सरवाइव करना। मैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि मतलब क्या ही करूँ। बट एक सेकेंड गाइस, इसको उठाना पड़ेगा। मतलब जो हम जैसे लोग हैं आज कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं वाइटी पे, मतलब 1 ईयर अप्रोक्स पूरा हो गया है, हो जाएगा 1 मंथ, मतलब मेरा तो बस होने ही वाला है 1 ईयर पूरा, और अभी तक कहीं से भी सक्सेस नहीं मिली है। क्या मतलब पता नहीं यार, कॉन्स्पिरेसी वाले वीडियो बनाओ तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और वो मुझे करनी भी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे किसी के लिए बहुत उल्टे पुल्टे या गलत वीडियोस बना के मैं व्यूज़ नहीं कमाना चाहती हूँ, मैं मुझे इस तरीके से नहीं रहना वाईटी पे। मैं बहुत अच्छी, एक सेकेंड, मैं बहुत और अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में यहाँ पे हूँ वाईटी में, तो मैं वही रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी निगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं आई हूँ, किसी से झगड़ा वगैरह करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है ना यहाँ पे सक्सेस वही है, जो लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं वही सक्सेस होते हैं, हर एक इंसान यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता है। बट कोई नहीं, कहते हैं कि अच्छाई की भी कहीं ना कहीं जीत होती है, पता नहीं कौन सा दिन अच्छा आएगा जब हमारी जीत होगी, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आरुष बाबा का सारा सामान सेट कर दे रहे हैं, और इनके ये तो मास्क, आरुष का एक अपना मास्क हमेशा ही टेबल पर सामने रखते हैं, कभी भी इमरजेंसी लगती है जल्दी से जब जाना होता है तो सामने से मिल जाता है। और इसके इसमें चॉक रखते हैं, कुछ पेंसिल्स रखते हैं, बाकी एक दो टॉय रखते हैं क्योंकि मैम कभी भी टॉय के लिए बोल देती हूँ। तो बेटा हाँ, तो अभी आए हुए गाय वाले अंकल, तो गाय वाले अंकल को दे देते हैं रोटी, और बस्ती रहती घर में एक दो, तो इसमें एक पराठा है, दो रोटियाँ हैं। तो ये आरुष देखे आ जाओ अंकल को, ये लो। तो यहाँ से थ्रो मत करना बेटा, सही से थ्रो मत करना, गिव मी शो मी। ये देखिए, ये गाय वाले अंकल हमारे यहाँ मतलब अल्टरनेट डेज पे आते, रेगुलर तो नहीं आते। गेट बंद कर देना शोना, गेट बंद करके आओ। तो ये देखिए जरा, उन्होंने अपनी दाल चावल को किस तरीके से चिप्स से डेकोरेट कर लिया है ना, यमी। ओके लंच, और टीवी कर देते बंद, बहुत गंदी गंदी सी न्यूज आ रही है आजकल, तो न्यूज़ इन द सेंस कोविड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, टेंशन फैला रहा है। एक बार तो सारी चीज़ें ऐसा लगता है नॉर्मल होंगी, फिर से वही हाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आरुष के लिए ले लिया पानी, और मैंने लगा लिया ये नेल पेंट ग्रीन कलर का, थोड़ा सा मतलब छूट गया था अभी थोड़े दिन पहले जब आप लोगों के साथ शेयर करा था ना, तो ये आधी आधी उंगलों में लगा हुआ था, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि नेल पेंट से इसको रिमूव करूँ, रिमूवर से दोबारा लगाऊँ, तो मैंने उसी पर लगा लिया। आरुष के लिए पानी, क्योंकि उनको खाना खाने के लिए जो दिया था, चौथ भी खाने अभी नहीं दिख रही, लॉक लगाना पड़ेगा। एक्चुअली मम्मी भी ऊपर है, आरुष भी ऊपर है, तो नीचे लॉक लगा के जाना पड़ेगा। तो ऊपर हैं बाबूजी, तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर। आरुष पढ़ रहे हैं, देखो पर्पल पिंक ग्रीन येलो
white or red? Oh my god. Blue, brown, black, red, purple, pink, green, yellow, white. वेरी गुड। तो गाइस इनकी तो चल रही बड़ी शिद्दत के साथ में पढ़ाई, और ये कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी। मैं कर रही हूँ, ओहो, और मैं चुप हो जा। तो मैं कर रही हूँ अभी शाम के नाश्ता का इंतजाम साथ साथ में, और खाने का भी देखती जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। हेलो, हो गया अब हटिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। अरे यार ठीक है, ऐसे करें। ठीक है, तो इनको बड़ा शौक है वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे ये दो रखे हुए हैं, इसमें दोनों में पोहा है दोनों डब्बों में। और यहाँ पे ये रख ली है मटर छील के इसने बाउल में। सुनो प्लीज बाबू। एंड ये आलू भी, ये देखो प्याज का छिलका आ गया इसमें। ये आलू भी हमने कट करके रख लिया। वैसे मैं आलू डालते नहीं, पता नहीं क्यों मेरा आज मन कर रहा है इसमें डाल के बनाने का, तो मैं बना ले रही हूँ, कोई नहीं। और ये प्याज कट करके रख लिया है, सामान लगा के रख दिया है। बस पोहा को भिगो देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना। तो गाइस इसको इसमें भिगो दे रहे, पानी डाल के रख देंगे। और किसको किसको पोहा खाना पसंद है बताइएगा आपको। अच्छा, वो तो बुक बनाने के बाद पता चलेगा कि आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके खाने में बहुत नाटक है, ये कुछ भी जल्दी नहीं खाते हैं, है ना? आप क्या क्या? आप क्या? आप क्या किया था? क्या किया था हमने? आपने क्यों साइड किया? क्या हमने साइड किया? हमने आपको साइड नहीं किया, हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको नहीं साइड करना है। ठीक है, हम नहीं साइड करेंगे भाई। ये ऐसे यही खड़े रहेंगे ऐसे सामने, और इनको ऐसे देखते रहो आप लोग, ठीक है? ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाले हैं दोनों ब्लैक बॉटम। आज दोनों ब्लैक प्रो बने हुए हैं, ब्लैक ब्लैक प्रो ये। हाँ चले गए मतलब आज। गाइस टूट गया था, टूट गया था जब ये बहुत सुपर है। हाँ बहुत सुपर है। तो अभी जब तक ये लोग नहीं आ रहे, पापा लोग के साथ बज रहा है, 5-7 बज चुके हैं, घड़ी पीछे देख सकते हैं। तो अभी लोग आ नहीं रहे, तो तब तक मैं हेयर में ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कल कर लेंगे हेयर वॉश। तो उसके बाद अभी लोग आ जाएंगे, फिर बनाएंगे, क्योंकि ठंडा तो कोई खाएगा ही नहीं, गर्म गर्म खाना होता है सबको, है ना? तो गाइस यहाँ पे पापा राठौर जी वो भी नहीं आए। राठौर जी तो रात में 10 बजे करीब आए थे, मतलब 10 बजे के बाद आए थे, पापा आ गए थे, फिर मैंने बना लिया था पोहा। तो यहाँ पे वही थोड़ा सा मतलब राई दाना मुझे मिल ही नहीं रहा था, कहाँ रखा था राई, तो फिर मैंने सीधा प्याज ही डाल दी, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका था। और देखो वॉइस ओवर करते टाइम भी आरुष शाउट कर रहा है, कोई नहीं इग्नोर कीजिएगा। और इसमें हरी मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया है, तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे। और मैं इसमें आलू डाल दूंगी, मटर डाल दूंगी, इन सबको भी अच्छे से भून लूंगी, मतलब इसको ढक के पका लूंगी 3-4 मिनट के अंदर, क्योंकि बहुत पतला पतला आलू कटा हुआ होता है, मटर फ्रेश मटर होती है, तो मटर को पकने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इसे 2-3 मिनट के अंदर पक जाएगा। इसमें मैं टमाटर आज नहीं डालूंगी, मुझे टमाटर धनिया से पता नहीं क्यों इतनी एलर्जी, मुझे नहीं पसंद आती है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ खाने में पड़े ना, बट जिस खाने में मजबूरी होती है वहाँ डालनी पड़ती है, जहाँ मैं अवॉइड कर सकती हूँ वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ इसको मैं कैसे करके अवॉइड कर दूँ। और तो फाइनली हमारा यम्मी यम्मी सा पोहा बन के रेडी हो रहा है, और बस अभी हम सब लोग खाएँगे, और फिर देखते हैं डिनर में क्या कैसा बनता है खाने का, मतलब क्या प्रोग्राम बनता है। पोहा खाने के बाद में पता चलेगा कि कितनी किसको भूख है। वैसे सरसों के साग की उबला हुआ रखा है, तो अगर होगा तो फिर उसकी भुजिया बना देंगे, और मिक्स दाल भी रखी हुई है सुबह की,
तो वो हो जाएगी, तो बस उसी में हमारा डिनर हो जाएगा, दूध वगैरह ले लेंगे, तो बस इतना ही है। तो अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ में। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का करेंगे एंड। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बगैर लाइक के बिल्कुल मत जाना, चैनल पे न्यू आ रहे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस।